गाइस, मैं हूं निया और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक इजी ब्रीजी स्मोकी आई लुक। अगर आप भी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो विद आवर लेटेस्ट ब्यूटी गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो इस लुक के लिए और इन जनरल भी किसी भी तरह के आई मेकअप से पहले मैं मेरे आईलेट्स को प्रिपेयर करना पसंद करती हूँ। वैसे तो सभी जन आजकल आई शेडो प्राइमर्स यूज करते हैं, पर अगर आपके पास ना हो तो कंसीलर्स जस्ट फाइन। कंसीलर आपके आईलेट्स के वेन्स, डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन को छुपाता है, साथ ही इससे आई शेडो के कलर्स और उभर के दिखेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। कंसीलर के बाद हम इस प्रेप वर्क को लूज सेटिंग पाउडर से सेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो बात सिंपल है, सेट करोगे तो ही क्रीजिंग नहीं होगी और जो आपकी मेहनत है वो भी सही सलामत रहेगी। इससे पहले कि हम इस आई मेकअप की शुरुआत करें, हमें स्मोकी आई के लिए यूज करने वाले टूल्स की बात जरूर करनी चाहिए। किसी भी स्मोकी आई के लिए सही टूल्स का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि एक बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। ये ब्रश बेसिकली आपको ट्रांजिशंस कलर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। इससे आपकी ब्लेंडिंग और जो आप स्मोल्डरिंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो बहुत ही सॉफ्ट नजर आएगा विदाउट एनी हार्श लाइंस। मीडियम और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लाइक दीज। सो बेसिकली ये ब्रशेस यूज होते हैं क्रीज को डिफाइन करने के लिए। अगर आपकी आईज हुडेड है तो डेफिनेटली आपको आपकी क्रीज को डिफाइन करना चाहिए एंड दिस विल गिव यू दैट प्रिसाइज एप्लीकेशन। एंड स्मजिंग ब्रश, ये छोटे एरियाज को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है एंड इट गिव्स यू अ स्मूथ एप्लीकेशन। नाउ ऑप्शनली अगर आपको वो शार्प लाइन वाला लुक चाहिए तो वो आप एक स्कॉच टेप से अचीव कर सकते हैं, पर मैं स्मोकी आई बिना किसी टेप के क्रिएट करना पसंद करती हूँ, मुझे वो ज्यादा नेचुरल लगता है। आप क्या प्रिफर करते हैं कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब हमें स्मोकी आई के लिए टूल्स तो मिल चुके हैं, चलिए अब शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन की। मैं ये स्मोकी आई लुक ब्राउन कलर्स में क्रिएट कर रही हूँ। मुझे ब्लैक स्मोकी आई से ज्यादा ब्राउन स्मोकी आई अच्छा लगता है, स्पेशली इंडियन आईज पे। तो इस पैलेट के सबसे लाइट कलर को मैं ट्रांजिशन कलर की तरह यूज करूंगी। बेसिकली ट्रांजिशन कलर का काम होता है कि एक ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करना, और साथ ही ट्रांजिशन कलर एक गाइड की तरह वर्क करता है। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी एक बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग करते वक्त पेशेंस जरूर रखना। अब मैं डार्क ब्राउन कलर को छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से डायरेक्टली क्रीज एरिया में लगाऊंगी। सो जिनकी आईज बेसिकली हुडेड है उनको ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी क्रीज एरिया और अच्छे से डिफाइन होगी एंड जब आप ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज करेंगे तो इससे और भी अच्छा ग्रेडियंट इफेक्ट होगा। सो डेफिनेटली ये स्टेप को आप स्मोकी आई के दौरान जरूर जरूर करना। अब हम यूज करेंगे क्लासिक ब्राउन काजल का। ये होगा हमारा बेस जिसे हम पूरे आईलेट्स पे अप्लाई करेंगे। अब डार्क ब्राउन कलर को फिर से ब्लेंड कर ले ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे। अब लैश लाइन के एकदम करीब से मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लैक काजल, इससे आपके स्मोकी आई की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लो लैश लाइन के लिए मैं ब्राउन काजल को लैश के रिम पे लगाऊंगी। इसको मैं स्मोक आउट करने के लिए एक स्मजिंग ब्रश यूज करूंगी। अब मैं ट्रांजिशन कलर को इस डार्क कलर के नीचे लगाऊंगी, इससे एक ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट होगा। लुक को इंटेंसिफाई करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक काजल लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। अगर आपकी आंखें छोटी हैं, तो इनर कॉर्नर्स में मेटालिक लाइट कलर का शेड जरूर यूज करना, इससे आंखें इंस्टेंटली बड़ी नजर आएंगी। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मस्कारा के कुछ कोट्स लगा ले, आप चाहे तो कुछ फॉल्सीज भी लगा सकते हैं, बट आई थिंक आई प्रिफर इट दिस वे। अब मैं फॉलआउट्स को माइसिलर वाटर से साफ करूंगी और फिर बाकी का बेस मेकअप कंप्लीट कर लूंगी। बस हो
गई तैयार ब्राउन स्मोकी आई। जनरली स्मोकी आई के साथ मैं लिप्स को लाइट ही रखती हूँ। आई थिंक न्यूड्स बहुत अच्छे लगते हैं और इस पूरे मैट रेवोल्यूशन कलेक्शन में कुछ अमेजिंग न्यूड्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। इस स्मोकी आई को ट्राई कीजिए। मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्दी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।